शिक्षकों को लेकर के भारी मांग रही थी कि समान काम समान वेतन लोगों को मिले, और हमारे पलटू चाचा नीतीश कुमार जी ये नहीं चाहते थे कि शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिले। ये सुप्रीम कोर्ट तक शिक्षकों से लड़ने का काम किया और केंद्र के लीगल टीम से इन्होंने मदद मांगी। तो ये सत्ता में बैठे लोग बीजेपी के और या पलटू चाचा, ये लोग जिसका काम है, जिसका अधिकार बनता है, उसको अधिकार नहीं दे रहे हैं बल्कि वंचित रखने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अगर आएगी तो हम नियोजित शिक्षकों के लिए पूरा व्यवस्था करेंगे कि समान काम समान वेतन उनको मिले। हमारी सरकार अगर आएगी तो हम नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार अपने वादे पर, अपने फैसले पर कायम नहीं रह सकी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने समान काम समान वेतन और पेंशन देने की बात कही थी। लेकिन आज वे इस मुद्दे पर चुप हैं, और क्यों चुप हैं ये उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है तेजस्वी यादव जी के, जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर आया है उसी विषय पर आप सभी से हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि सरकार बनने के पूर्व जब भाजपा और जदयू की सरकार थी, उस समय शिक्षकों के साथ हर समय हर मंच पर तेजस्वी यादव खड़े होते थे और समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन की बात करते थे, और उसे देने के लिए सरकार को घेरने का काम करते थे। लेकिन आज जब वे सरकार में हैं तो वे सारे वादों को भूल चुके हुए हैं। यहाँ तक कि जब अभी नई नियमावली, शिक्षक नियुक्ति नियमावली निकली है और बीपीएससी से परीक्षा देने की बात कही गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीपीएससी परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन इसमें नई नियमावली लाने की क्या जरूरत है? 1994 में जो बीपीएससी श्री लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में हुआ था, उसी नियमावली को फॉलो किया जाना चाहिए था, उसी नियमावली के आधार पर बहाली किया जाना चाहिए था। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके, और जो अभी वेतन देने की बात कही जा रही है शिक्षकों को, वह वेतन कहीं ना कहीं एक चपरासी या फोर्थ ग्रेड की बात करें तो उसी के समानांतर है ये वेतन देने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि बहाली बीपीएससी से और जो वेतन दिया जा रहा है वो चपरासी वाला, तो इसी से समझ सकते हैं कि ये बहाली का क्या होगा। कुछ लोग जब तक वेतन इसकी जारी नहीं की गई थी तब तक इसके समर्थन में थे और ये कह रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा हम देंगे और उसकी बहाली अच्छी है, बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है। तो अच्छी पहल है, लेकिन जैसे ही वेतन जारी किया गया कि इस 1-5 में जो मिलना है 100-68 सबके जब जारी कर दी गई, तो स्थिति यह बन गई कि बीपीएससी के समर्थन में अब कोई भी संगठन नहीं है। हाँ, उनके समर्थन में कौन है? तो जो उनके अंधभक्त हैं, जो तेजस्वी जी के सपोर्टर्स हैं, वे लोग अनाप शनाप कुछ कुछ बोल रहे हैं कि शिक्षक को कामचोर होते हैं, वो पढ़ाना नहीं जानते हैं इसलिए परीक्षा नहीं दे रहे हैं। ये तो भाई, तो एक आदमी परीक्षा कितनी बार देगा? क्या बीएड करके आया है, सीटीटी पास करके ये नौकरी में आए हैं, तो क्या फिर से परीक्षा देना जरूरी है? तो वैसे शिक्षकों को जो पूर्व से बहाल हैं उनको भी परीक्षा देने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये नीति दोरंगी नीति है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार सरकार अपने वादे पर, अपने फैसले पर कायम नहीं रह सकी, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने समान काम समान वेतन और पेंशन देने की बात कही थी।
लेकिन आज वे इस मुद्दे पर चुप हैं, और क्यों चुप हैं ये उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उनके एक प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी, आप सभी लोग जानते होंगे, वे भी शिक्षा के हितैषी हुआ करते थे। वे हुए, मृत्युंजय तिवारी हुए, ये लोग शिक्षकों के समर्थन में हमेशा आवाज़ उठाते थे। आज वे लोग गायब हैं, वैसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो गया। तो इस ये जो रणनीति है उन लोगों का, कहीं ना कहीं दोरंगी नीति है, और इसको सब शिक्षक समाज देख रहा है, और शिक्षक समाज में जो बातें हुई हैं उससे वो कभी माफ नहीं कर सकते हैं। आप सभी भी कमेंट के माध्यम से बोले बताएं कि क्या जो ये बीपीएससी के माध्यम से बहाली निकली है क्या यह उचित है। उसमें भी देखिए कि जो शिक्षकों के लिए पद दिया जाना चाहिए जितना उतना नहीं दिया गया। 6 to 8 की तो जब बात करेंगे तो 1745 से किस आधार पर निकाला गया है समझ में नहीं आता है। और अधिकतर जो TET से पास है 6 to 8 में पास हैं, आखिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो 6 to 8 में पास हैं उनके द्वारा आत्महत्या की बात कही जा रही है। कल मैंने इसके संबंध में एक वीडियो भी बनाया था। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर किसी भी तरह की बातें होती है तो इसके सारे जिम्मेदार कौन होंगे? ये बिहार सरकार होगी। बिहार सरकार अगर सीधे तौर से कहा जाए तो बहाली चाहती ही नहीं है। अगर बहाली चाहती तो शिक्षकों को साथ में बैठा करके निर्णय लिया जाता, और जो सही निर्णय होता उस पर फैसला लेकर के कार्य किया जाता। तो ये एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक भी दोराहे पर है, लेकिन इस बार शिक्षक ने सोच लिया है, विचार कर लिया है, इस बार कोई नई राह पर शिक्षक जाने को मजबूर होंगे और एक नया आंदोलन को जन्म देने के लिए बाध्य होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।